मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए पुष्कर सरोवर में उमड़ी भीड़। कोरोना काल के बाद दिखने लगी तीर्थनगरी में रौनक, पुरोहितों के चेहरे खिले। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। माघ माह की मौनी अमावस्या पर गुरुवार को श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना कर पिंडदान और तर्पण किया। शास्त्रों के मुताबिक मौनी अमावस्या पर जगत पिता के ब्रह्म सरोवर स्नान और पूजा करने से अमृत के समान फल मिलता है और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान करने से दिवंगत आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के चलते सरोवर पर स्नान पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। गुरुवार सुबह से शुरू हुआ स्नान का सिलसिला देर शाम तक निर्बाध गति से बना रहा। धर्म प्रेमियों ने स्नान के बाद सरोवर की परिक्रमा लगाई तथा ब्रह्मा मंदिर समेत प्रमुख देवालयों के दर्शन किए। यात्रियों ने पुरोहितों को दान दक्षिणा दी तथा गायों को चारा खिलाकर पुण्य कमाया। कोरोना काल के बाद तीर्थ नगरी में लौटी श्रद्धालुओं की रौनक से दुकानदारों और पुरोहितों के चेहरे भी खिलने लगे हैं। आज मौनी अमावस का दिन है, इस साल में एक दफा आती है और आज के दिन सुबह लोग स्नान ध्यान करके 2 घंटे मौन रहकर भगवान से सुख शांति की प्रार्थना करते हैं और मौनी अमावस होने के नाते आज काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान पूजा अर्चना कर रहे हैं। और श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र होने से श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को यात्रा करवाई थी, उसी प्रकार श्रवण नक्षत्र में आज पितृ अमावस होने से पितरों को जलदान दिया जाता है। सतुगम केवलम पुष्करम, इसका सतयुग का तीर्थ है। द्वापुरे नेमिशरण, त्रेता में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा है ना। ब्रह्मा रूपेण पुष्कर है, ये ब्रह्मा का असली रूप है। साधु लोग के पास कमंडल होता है, ये ब्रह्मा का कमंडल है। इसमें प्रातःकाल बेती गंगा, मध्यान्ते सरस्वती, सायंकाले रेवा नदी और त्रियो नदी त्रियों का संगम होता है। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम और पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में स्नान करना, तप करना, पूजा पाठ करना, ये सब भाग्य से होता है। आज वैसे भी हरिद्वार में कुंभ का महास्नान आज मौनी अमावस से प्रारंभ हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ पुष्कर में भी यहाँ सब तीर्थों का गुरु होने के नाते यहाँ स्नान का महत्व मिलता है। यात्रा कुंभ जाकर भी लोग युवा यहाँ स्नान करने वहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि पुष्कर तीर्थों का गुरु है और ब्रह्मा जी की नगरी है और 5 सरोवर में इसका गिनती आता है। ब्रह्म सरोवर, मान सरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर, नारायण सरोवर, ये 5 सरोवर है। इसमें ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर है, जगत के पिता है ब्रह्मा, संसार के पिता कहलाते हैं। माता पिता जन्म देने वाले होते हैं, इसीलिए संसार के पिता के पास में जो आता है भगवान को सब कुछ दिया जाता है और उनकी इच्छाएँ पूर्ण होती है। पितरों को जल देने से वंश में वृद्धि होता है, घर में सुख शांति मिलती है, व्यापार वृद्धि होती है और विशेष करके आज मौनी अमावस के दिन इसका विशेष महत्व है। माँ की अमावस्या जो तीर्थों के अंदर स्नान के लिए अति उत्तम कही गई है और तीर्थों में जाकर अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध पिंडदान और पितरों का तर्पण किया जाता है, जिससे अन्न और धन और वंश की वृद्धि प्राप्त होती है और पितृ दोष वगैरह की पूजन होता है, जिससे पितरों को शांति मिलती है, पितरों को मोक्ष मिलता है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर।